बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज मैं होम बेकर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया लेकर आई हूँ। जो बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं हो रहा कि वो किस तरह से अपने कस्टमर्स बनाएं और किस तरह से अपने काम को प्रमोट करें, तो ये वीडियो आज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है बिना स्किप किए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे कोकोनट 3 मिल्क केक, और ये कोकोनट का जो कैन है ये मैं लेकर आई थी बेक हाउस से, और 3 महीने के बाद इसकी एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे इस्तेमाल में लाते हुए मैं एक अच्छा सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज हम बनाने वाले हैं 3 मिल्क केक बॉक्स। ये केक बॉक्स आप बना के बहुत ईजीली अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक तो कम प्राइस में आप देंगे, दूसरा आपकी अच्छी क्वालिटी उन तक पहुँचेगी तो वो आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे। ये आगे चल के हम देखेंगे कि हमने ये कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। फिलहाल हमने कैन खोल ली है, इसका जो मिल्क है वो मैंने एक जार में डाल ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका ऑयल जो थोड़ा सेपरेट नजर आ रहा है वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे और उसके अंदर मैंने 3/4 कप चीनी ऐड की है। 1 कप से थोड़ी कम है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको इतना बीट करेंगे कि ये अच्छे से क्रीमी हो जाए। इसके अंदर हमने ऑयल ऐड नहीं करना क्योंकि हमने कोकोनट मिल्क ऐड करना है, इसलिए हम ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे से क्रीमी हो चुके हैं। बस अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। अंडे इतने क्रीमी होने चाहिए, बीटर हम हटा देंगे और इसके अंदर हम 1 कप + 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इन्ग्रीडियंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। और इसके अलावा मैं आपको ये एक आइडिया दे रही हूँ, आप चाहें तो जो आप अच्छा स्पंज रेडी करते हैं आप उसी स्पंज से ही ये केक बना सकते हैं। मैदा हमने 2 पोर्शन में ऐड करना है, हाफ हम पहले ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हाफ हम बाद में ऐड करेंगे। इसे हमने जेंटली एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। मैदे को जब हम अच्छा स्पंज रेडी करना चाहते हैं तो मैदे को एक ही डायरेक्शन में फोल्ड किया जाता है, इधर से इधर इधर से इधर। आप इस तरीके से उसे नहीं फोल्ड कर सकते, उस तरीके से जो स्पंज है वो खराब हो जाता है। अब हम बाकी का मैदा भी इसके अंदर फोल्ड करने के बाद इसके अंदर हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे जो कि हमने लेना है 1/4 कप + 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास 1/8 कप है तो आप ठीक है वो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो फिर आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। और इसे भी हमने इसी तरीके सॉफ्टली मिक्स कर लेना है। और इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड नहीं किया क्योंकि कोकोनट मिल्क का अपना एक फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार सा, तो इसलिए हम वनीला एसेंस ऐड नहीं करेंगे। मैंने 8 इंच का पैन लिया है, आप चाहें तो 9 इंच का पैन ले लें चाहे 8 इंच का पैन ले लें, और उसके अंदर इवनली स्प्रेड करके तो इसको हम प्री हीटेड पतीले में बेक करेंगे। 40 से 45 मिनट तक हमने बेक करना है। 45 मिनट के बाद हमारा जो केक है वो रेडी हो जाएगा मीडियम लो फ्लेम पे। पतीले की बहुत दफ़ा डिटेल में आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैंने उसको प्री हीट करते हुए नहीं दिखाया। अब हम अपना मिल्क रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, हमने 1 कप के बराबर ले लेना है। इसके अलावा 1 पैकेट हम क्रीम का ऐड कर लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ हमारा कोकोनट मिल्क है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो एक बहुत ही मज़ेदार सा जो मिल्क है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर 1 कप या 1/2 कप नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं मिल्क वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चूंकि 4 बॉक्सेज ही बनाने थे तो इसलिए मैंने दूध का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बस ये 3 चीज़ें ही डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे केक जो हमारा ठंडा हो चुका है इसे हम पैन से निकाल लेंगे। इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 4 बॉक्सेस में रख लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो छोटे वाले बॉक्स ले सकते हैं, अगर आप बड़े बॉक्स लेना चाहें तो आप पैन का साइज बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 9 इंच का पैन नहीं था, 8 इंच का पैन ही था और बॉक्सेस भी यही वाले मौजूद थे, तो मैंने इसी से काम चला लिया। इसके अंदर हम 4 बॉक्सेस में रखेंगे तो हमारे 4 बॉक्स रेडी हो जाएंगे केक के। हम किसी भी वुडन स्टिक के साथ इसके अंदर सुराख करेंगे और इसके अंदर हम मिल्क को पोर कर देंगे। आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए बनाकर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा जूसी सा और बहुत अच्छा सा मॉइस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप फौरी फौरी बनाकर देंगे तो फिर इसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि इसको रखने से आता है। मैंने वीडियो शूट करनी थी तो मैंने इसको जल्दी ही बना लिया, बस 5-10 मिनट का स्टे दिया था।
लेकिन अगर ओवरनाइट इसको रखा होता तो केक बहुत अच्छा सा मॉइस्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत मजे का हो जाता है। तो यहाँ पे क्रीम व्हिप कर लेंगे। क्रीम मैंने 1 कप व्हिप की थी जो कि कम थी क्योंकि बॉक्स खुले थे तो मुझे बॉक्स की साइड्स भी फिल करने थे क्रीम से ही, तो फिर इसलिए मुझे क्रीम का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा है। इसको हम व्हिप करके इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे और हम इसके अंदर लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह के सेम चॉकलेट बॉक्सेस भी बना सकते हैं और इसे आप कम प्राइस में जब आप इसको स्टेटस पे लगाएंगे व्हाट्सएप के तो जो भी देखेगा वो ज़रूर बाय कर लेगा। इस तरीके से आपका जो फ्लेवर है, आपका टेस्ट है, आपकी क्वालिटी है वो आपके कस्टमर्स के पास पहुंच जाएगी। छोटे शहरों में मिल्क केक का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती और जब ये चीज़ आप बनाकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने कस्टमर्स को तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद आती है और उन्होंने जिस चीज़ ने भी खाया ना उन्होंने बहुत पसंद की है। ये एक अलग से चीज़ बन जाती है, इसके अंदर हमने मिल्क ऐड किए होते हैं तो फिर वो एक अलग ही फ्लेवर होता है। मैंने 4 बॉक्सेज ही बनाए हैं और 3 बॉक्स मैंने 500 में सेल किए। आप चाहें तो इसी मिल्क के साथ थोड़ा सा दूसरे मिल्क का भी यूज़ करें, नॉर्मल जो मिल्क होता है, और इससे 7 से 8 बॉक्स आप इजीली इस मिल्क के साथ रेडी कर सकते हैं। उससे आपकी बचत भी हो जाएगी और आपके जो कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी चला जाएगा। आप चाहें तो इससे सिंपल डिज़ाइन कर लें व्हाइट क्रीम के साथ ही, चाहे तो क्रीम को कलरफुल कर लें। इसके अलावा इसके ऊपर कोकोनट पाउडर ऐड कर लेंगे तो उससे फ्लेवर में और इजाफा हो जाएगा। आज फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे पंसार स्टोर सारे बंद होते हैं, मुझे कोकोनट पाउडर नहीं मिला तो फिर मैंने उसी तरीके से बना दिया। अगर आप इसके ऊपर नारियल का बुरादा जो मिलता है वो आप लेकर ऐड कर देंगे तो उससे इसके ऊपर बाकायदा कोकोनट की एक लुक आ जाएगी और वो और भी ज़्यादा कोकोनट का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे हमारे 4 बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, देखिए कितने मज़ेदार और यमी से बॉक्स बने हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं घर में ही खा लूँ। इसका हम वेट करके देख लेते हैं, ये 1 पाउंड से बस थोड़ा सा कम है और आप इसे बनाकर अपने कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।